बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। आर्मी के प्रमुख आजाद जमात पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की संगठनात्मक नीति और आगे चीजों को देखें तो साफ नजर आता है कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से काफी कुछ सीखा है। चंद्रशेखर आजाद ये बात कई बार कहते भी है कि वो बीएसपी को और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को देखकर राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दोनों ही जन्म हुआ है दोनों का और दोनों ही उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन राज्यों को लेकर हाल ही में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए गए। मध्य प्रदेश में 1 सीट पर प्रत्याशी घोषित हुआ था और राजस्थान में 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब बहुजन समाज पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने प्रत्याशी घोषित करना है वो शुरू कर दिया है और चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी शुरुआत मध्य प्रदेश से ही की है। मध्य प्रदेश में बीएसपी ने 1 सीट पर प्रत्याशी उतारा है, वहीं आजाद समाज पार्टी अभी तक अपने 2 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। आजाद समाज पार्टी की तरफ से इंदौर जिले और उज्जैन जिले की 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। जानकारी के अनुसार राजेश वर्सी को मेहंदीपुर सीट से और विनोद यादव को सांवेर जिला इंदौर की सीट से टिकट दी गई है। इसके अलावा रिटायर्ड जो तहसीलदार हैं उनकी तरफ उनको बहुजन समाज पार्टी ने पिछले दिनों टिकट दी थी। तो यानी कि कुल मिलाकर देखने की कोशिश करेंगे तो आजाद समाज पार्टी का जो ढांचा है संगठनात्मक वो सेम टू सेम बहुजन समाज पार्टी की तरह ही नजर आता है। एक महासचिव का होना या फिर संगठन के अंदर प्रभारियों का होना, इस तरीके की कई चीजें हैं जो आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी की एकदम सेम है वो नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि क्या बहुजन समाज पार्टी की तरह ही आजाद समाज पार्टी भी पूरे देश भर के अंदर अपना स्थान या मुकाम हासिल कर पाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव चंद्रशेखर आजाद की सियासत के लिए बड़े अहम होंगे क्योंकि इन्हीं राज्यों के अंदर चंद्रशेखर आजाद काफी ज्यादा सक्रियता से नजर आते हैं। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ, अब तक आप चले तो विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर।